हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने में घरों में सुरक्षित होंगे। हम लोग आज नागपुरी भाषा का उद्भव के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि नागपुरी भाषा का उद्भव के बारे में आप पढ़ाइए, उसको बताने का प्रयास कीजिए। तो आज मैं नागपुरी भाषा के उद्भव को ही लेके आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है नागपुरी भाषा से मतलब झारखंड कर पुराना आर्य भाषा से एक आहे। ठीक है, ये जो इससे पता चल रहा है कि ये जो नागपुरी भाषा है वो आर्य भाषा से आता है, और वो नागपुरी ये आर्य भाषा बहुत ही प्राचीन है। तो इसका संबंध कह सकते हैं, नागपुरी भाषा का संबंध बहुत ही पुराना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ई भाषा झारखंड के अलावे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार में बोली जाती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है भारत देश के बाहरे नेपाल कर पहाड़ी और बांग्लादेश कर कुछ जिला में बोलल जायला। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड राज्य के अलावे भारत में और कहाँ कहाँ ये भाषाएं बोली जाती है, या फिर भारत देश के अलावे अन्य देश में कहाँ कहाँ ये भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो इन सब बातों को याद रखना है कि झारखंड राज्य के अलावे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और भारत देश से बाहर में नेपाल की पहाड़ियाँ और कहाँ बोली जाती है, बांग्लादेश के कुछ राज्यों में बोली जाती है। तो इसको याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे कि अब ये जो नागपुरी भाषा है उसका उद्भव को जानने के लिए, उसके विकास को जानने के लिए हमें तीन आधार के द्वारा हम ये सब जान सकते हैं कि ये नागपुरी भाषा है उसका उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, पहला है भाषा विज्ञान कर आधार पे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि भाषा विज्ञान कर आचार्य मन कोनोवे भाषा कर उद्भव विकास के जाने से पहले उकर पारिवारिक वंश वृक्ष जाने बहुत जरूरी है के। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो नागपुरी भाषा है उसको जानने से पहले हमें उससे संबंधित जो जितने भी भाषा परिवार हैं उसके वृक्ष को जानना जरूरी है, उसके वंशावली को जानना जरूरी है ना। जैसे हम लोगों का वंशावली होता है, जब भी हम जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो हमें वंशावली मांगा जाता है, स्थानीय सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं तो वहाँ से वंशावली मांगा जाता है। उसी प्रकार से भाषा की भी एक वंशावली है, जिससे हर एक भाषा का, कोई भी भाषा हो, हर एक भाषा से उसका क्या है, संबंध है। ठीक है, उसके बाद वही बोलता है कि ये जो भाषा परिवार को जानना बहुत जरूरी है। तो वही यहाँ पे सबसे नीचे में आप लोग देखिए कि तीन भाषा परिवार के बारे में मैंने लिखा है, जिससे ये जो नागपुरी भाषा है उसके उद्भव को हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, पहला है आर्य भाषा परिवार। ठीक है, जिसमें हिंदी, भोजपुरी, बंगला, मगही, नागपुरी, उड़िया ये सब भाषाएं आती हैं। ठीक है, और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें कुड़ुक भाषा बोला जाता है जो उरांव जनजातियों के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, और तीसरा है आस्ट्रिक भाषा परिवार, जिसमें मुंडारी, हो, संथाली ये सारे भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो किसी भी भाषा के उद्भव को जानने के लिए, किसी भाषा के विकास को जानने के लिए सबसे पहले भाषा परिवार का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम आगे देखेंगे, अगला है मानव विज्ञान या समाजशास्त्र के आधार पर। ठीक है, मानव विज्ञान या समाजशास्त्र के आधार पर, बहुत छोटा फॉन्ट है इसलिए मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है मानव विज्ञान चाहे समाजशास्त्रीय कर समर्थक करेक वाला विद्वान मन ये बताना कि भाषा कोनो जाइत कर निज संपत्ति ना खे, है ना। जितने भी विद्वान हैं, भाषाविद लोग हैं, जो भाषा के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, वो लोगों का कहना है कि ये जो भाषाएं होती है किसी निज जाति की नहीं होती है ना। जैसे ये जो नागपुरी है,
क्या सिर्फ इसे आदिवासी जनजाति या सदानी लोग ही बोल सकते हैं? नहीं ना, इसको सारे लोग बोल सकते हैं, सारे लोगों से इसका संबंध है। तो वही बोल रहा है कि किसी नीच जाति का इससे कोई संबंध नहीं है, उसका संपत्ति नहीं है। ठीक है, अगला है कि इकर उद्भव कबीलाई संस्कृति से होवेला। जब से कोनो समाज आहे तब से उकर कोनो ना कोनो भाषा आहे जेके उ विचार विनिमय ले प्रस्तुत करल जाएला। ठीक है, करत रहें। तो यही यहाँ पे कह रहा है जो प्राचीन समय था तो लोग कैसे रहते थे, खानाबदोश जीवन जीते थे, शिकारी जीवन जीते थे, वो यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे, उसका कोई स्थायी जगह नहीं था। तो लोग पहले जब प्राचीन समय आदि मानव के ज़माने में थे तो कोई भाषा नहीं था, है ना, कोई भाषा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समाज उत्पन्न हुआ, परिवार बनने लगा, एक पूरे समाज का गठन होने लगा, उसके बाद से धीरे धीरे भाषा उत्पन्न हुआ। ठीक है, भाषा उत्पन्न हुआ जिस पे ये जो भाषा बनता था उसका उपयोग अपने विचारों को, अपने इमोशन को आदान प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करते थे, प्रयोग में लाते थे। ठीक है, अगला है, अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट देखिए, ये पॉइंट जातीय अवधारणा के ध्यान में रख के कहल जाए तो नागपुरी मनक मातृभाषा है के जेकर पूर्णा नाम सादानी, सादरी, नागपुरी, गंवाली और आइज नागपुरी हो जाए। तो वही बोल रहा है कि अगर जातीय अवधारणा के रूप से हम लोग देखते हैं तो ये जो नागपुरी भाषा है किसकी है, सदानियों की है। ठीक है, सदानी लोग की है, मातृभाषा है, जिसका पुराना नाम जो सदानी भाषा था उसका पुराना नाम सदानी, सादरी, नागपुरिया, छोटा नागपुरिया, गंवाली कहते थे। ठीक है, लेकिन जो आज है, वर्तमान समय है, वही भाषा सब जो अब नागपुरी हो गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, झारखंड में सबसे पहले असुर या अनार्या रहवैया रहत रहे हैं। मतलब जो जो झारखंड का जो सबसे पहले, झारखंड में सबसे पहले कौन जाति लोग रहते थे, असुर जाति, और भी बहुत सारे जातियाँ थी, है ना, लेकिन सबसे पुराना असुर जाति है। ठीक है, उसका आगे बोलता है, इकर बाद आर्य प्रजाति समूह कर आदमी मन आले, है ना, उराव सॉरी असुर जाति था, असुर जाति के बाद में आर्य प्रजाति समूह के लोग झारखंड में आए। ठीक है, तो वही लोग वही आगे बोलता है कि ई मनक भाषा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ई मनक भाषा अनार्य मनक भाषा से दूसर रहे, है ना, जो भी आर्य लोग आए वो लोगों का भाषा, जो यहाँ के सदानी लोग थे वो लोगों का भाषा से बहुत ही अलग था, एकदम अंतर था वो लोग में। ठीक है, तो वही बोल रहा है, लेकिन वही जो आर्य लोग थे फिर वही सब आगे चल के क्या कहला गए, सदानी कहला गए। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कहना कि 64 ईस्वी के आसपास से सदानी भाषा माने कि नागपुरी भाषा कर उद्भव होला। ठीक है, ये जो नागपुरी लेखक हैं डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद, ये भी एक विद्वान हैं, उनका कहना है कि जो नागपुरी भाषा है उसका उद्भव 64 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 64 ईस्वी में। 64 ईस्वी सबसे इम्पोर्टेंट है छोटा नागपुर हिस्ट्री के लिए। ठीक है, क्योंकि 64 ईस्वी में ही कौन सा साम्राज्य, नाग साम्राज्य, नाग वंश का स्थापना हुआ छोटा नागपुर में, तो उसी समय से ही नागपुरी भाषा का उद्भव हुआ। क्योंकि इतिहासकारों का कहना है कि ये जो नागवंश था उसका जो प्रशासनिक भाषा था, उसका जो क्या बोलेंगे राजभाषा था, क्या था, नागपुरी था। ठीक है, तो ये सबसे हम कह सकते हैं कि नागपुरी भाषा का उद्भव कब और कैसे हुआ। ठीक है, हम अब आगे देखेंगे, अब है आर्य भाषा कर आधार पे। ठीक है, अब आर्य भाषा के आधार पे हम देखेंगे, पहला पॉइंट है, इकर आधार पर नागपुरी का उद्भव पर विचार करीला तो संस्कृत से इकर संबंध पता चलेला। ठीक है, वही बोल रहा है कि ये जो नागपुरी भाषा है उसका उद्भव के बारे में सोचेंगे तो इसका क्या संबंध किससे निकलता है, संस्कृत से। ठीक है, और ये बात हम लोगों को याद रखना है कि ये जो संस्कृत है सबसे प्राचीन भाषा है, प्राचीन भाषा में से एक है। ठीक है, तो जैसा मैंने शुरू शुरू कहा था कि किसी भाषा का उद्भव डायरेक्ट नहीं होता, वो शुरू से सिलसिले बार चला आता है,
और धीरे धीरे विकास करते जाता है और एक स्वतंत्र भाषा के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है संस्कृत से इसका संबंध है। ठीक है, और वही बोल रहा है दूसरा पॉइंट में कि पूर्ण आर्य भाषा के इतिहास में ई काल में संस्कृत का विकास जोर शोर से हो रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे हुआ था? ब्राह्मण ग्रंथ का निर्माण हुआ, वो सब संस्कृत में हुआ। वेद ग्रंथ सब हुआ, वो सब सब संस्कृत भाषा में हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे संस्कृत से निकलते निकलते संस्कृत से कुछ अन्य भाषा बने, उससे अन्य भाषा बने, फिर वही सब करते करते एक नागपुरी भाषा बना। ठीक है, अगला पॉइंट है मध्यकालीन भारतीय भाषा पर आर्य भाषा जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था। ठीक है, तो ये जो तिथि है इसके अंतर्गत में मध्य भारतीय आर्य भाषा में पाली भाषा, प्रकृत भाषा, महाराष्ट्री भाषा, मगधी भाषा, अपभ्रंश भाषा, ये सब उत्पन्न हुए। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या था? संस्कृत था, उसके बाद धीरे धीरे पाली, प्रकृत, महाराष्ट्री, मगही और अपभ्रंश करके नए नए शुरू हुए। ठीक है, और ये यहाँ देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसमें बोलता है कि 1000 ईस्वी के आसपास से आधुनिक आर्य भाषा मन स्वतंत्र अस्तित्व में विकसित हो लें। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जब आधुनिक काल आया 1000 ईस्वी से पहुँचा, उसके बाद से जितने भी आर्य भाषा थे, आधुनिक आर्य भाषा, वो सब एक स्वतंत्र भाषा के रूप में उत्पन्न हुए, एक अलग अलग भाषा बने। ठीक है, उन्हीं में से एक है नागपुरी भाषा, जो यहाँ से एक अलग पहचान मिला, एक स्वतंत्र भाषा के रूप में बना। ठीक है, यहाँ देखिए आखिरी में नागपुरी भाषा का उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुए हैं। ठीक है, वही बोल रहा है कि जो नागपुरी भाषा है उसका उद्भव किससे हुआ है? मगही भाषा का अपभ्रंश है। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा अगर मागधी रहेगा ऑप्शन में तो मागधी में टिक कीजिए, अगर मागधी अपभ्रंश रहेगा तो दोनों में टिक कीजिए, दोनों में मतलब ये दोनों एक ही में रहेगा। ठीक है, इससे कन्फ्यूज़ होने का बात नहीं है। तो वही बोल रहा है कि मागधी अपभ्रंश से नागपुरी भाषा के लिए नहीं निकला, इससे मागधी अपभ्रंश से बंगला, उड़िया, मैथिली, भोजपुरी जैसा भाषा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इस सब से हम लोग जान सकते हैं कि ये नागपुरी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, नागपुरी भाषा का विकास कैसे हुआ, इस सब के बारे में हमने जाना। ठीक है, तो और उसके बाद में जब ये अलग पहचान मिला नागपुरी को, तब एक ईसाई पादरी जो भारत आए, रेवरेन ई एच विटली, जो 1896 ईस्वी में एक नागपुरी भाषा पर एक व्याकरण लिखे, सबसे पहला व्याकरण। ठीक है, उसके बाद ही ईसाई पादरी जो थे कोनराड बुकाउड, जो 1906 ईस्वी में ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज करके नाम से एक पुस्तक लिखे, व्याकरण ही था। ठीक है, उसके बाद रेवरेन, ये भी पादरी ही थे ईसाई पादरी, जो पीटर शांति नौरंगी, जो 1995 ईस्वी में अ सिंपल सदानी ग्रामर करके क्या लिखे? ग्रामर बुक लिखे। ठीक है, तो ये सबको ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास को देखे, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर टैप कीजिए, और अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगले क्लास में हम सब मिलते हैं। तो आप लोग अपना ध्यान दीजिए, धन्यवाद।